नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। देखो MP MLA जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं और उससे उन्हें कोई बेनिफिट हो रहा है उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन और RPO 1951 के अंदर कुछ डिफिनेशन नहीं दे रखी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की। अब क्राइटेरिया क्या है डिसक्वालीफाई करने का MP या MLA को। MP के बारे में 102 में मेंशन और MLA के बारे में 191 में कॉन्स्टिट्यूशन में। डिसक्वालीफिकेशन के रीज़न एक हमें पता लगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को। दूसरा अनसाउंड माइंड है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट या कोई बंदा इंडियन सिटीजन नहीं है या फिर फॉरन सिटीजनशिप एक्वायर करने वाला है। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को क्यों डाला डिस्क्वालिफिकेशन में, क्योंकि देखो MP और MLA जो है फ्री रह सके गवर्नमेंट प्रेशर से, इस चक्कर में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डाला डिस्क्वालिफिकेशन में।